नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक क्षेत्रों से बहुस्तरीय संपर्क के लिए आज प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है और एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने सोमवार को बताया कि इस योजना का मकसद बुनियादी ढांचा संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना बनाना और समन्वित क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। अधिकारी ने कहा कि 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को GIS मोड में डाल दिया है जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है। उन्होंने ये भी बताया कि गति शक्ति हमारे देश के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगा जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव भी रखेगा। अभी हमारे परिवहन को के साधनों के बीच कई समन्वय नहीं है, इसीलिए गति इन सभी बाधाओं को दूर करेगी। ये मंच उद्योगों की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही स्थानीय विनिर्माताओं को भी बढ़ावा मिलेगा, उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही भविष्य के आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए नई संभावनाओं को विकसित करने में भी मदद करेगा। साथ ही अधिकारी ने कहा कि ये असंबद्ध योजनाओं की समस्या को दूर करेगा। मानकीकरण की कमी, मंजूरी के मुद्दों और समय पर निर्माण और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग जैसे मुद्दों को भी हल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिजली मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक की। बैठक में दोनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को कोयले की आपूर्ति की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दी। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने संकट की स्थिति से निपटने को लेकर किए जा रहे उपायों और आगे की कार्य योजना की समीक्षा की और दोनों मंत्रियों ने पीएम मोदी को बताया कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है और आने वाले दिनों में हालात सुधरने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री के साथ दोनों मंत्रियों की इस बैठक से पहले कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने दोनों मंत्रालय के सचिवों के साथ भी बैठक की थी। बैठक में बिजली मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार और कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार जैन ने कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में कोयला की उपलब्धता और बिजली के ताज़ा हालात पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। प्रेजेंटेशन में दोनों सचिवों ने बताया कि कोयले की कोई कमी नहीं है, लिहाजा 7 से 10 दिन के अंदर बिजली उत्पादन संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सामान्य होने लगेगी। प्रेजेंटेशन में ये भी बताया गया कि पिछले 2 दिनों से विद्युत को 19 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गई जबकि मांग 18 लाख टन ही रही थी। ऐसे में बैठक के बाद कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बातचीत करते हुए कहा कि बिजली मंत्रालय की ओर से 21 अक्टूबर से प्रतिदिन 20 लाख टन कोयले की मांग रखी गई है। उन्होंने कहा कि बिजली मंत्रालय की मांग के मुताबिक ही कोयला मुहैया कराया जाएगा और अगले 15 से 20 दिनों में कोयला हर किसी के पास होगा और रिजर्व स्टॉक में भी बढ़ोतरी इसी के साथ होने लगेगी। पंजाब सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस महामारी के दौरान मारे गए आम लोगों के परिजनों को अब राहत देने का काम किया है। दरअसल उन्होंने ये फैसला लिया है कि 50,000 रुपये उन सभी परिवारों को मिलेंगे जिनके लोगों की कोरोना के समय जान गई थी। ऐसे में राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र की ओर से जारी निर्देशों पर कार्रवाई भी शुरू करते हुए सभी जिला उपायुक्तों से पत्र जारी कर कहा कि जिलों में कोरोना से लोगों की जान गई उनका ब्यौरा मांगा है। ऐसे में राजस्व पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव की ओर से जिला उपायुक्तों को भेजे गए इस पत्र में कहा गया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की ओर से कोरोना के वजह से मारे गए लोगों के परिवारों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि इसके लिए सभी जिलों से कोरोना मृतकों की सूची भी मांगी जा रही है और ये राशि केंद्र सरकार के निर्देश पर मृत व्यक्ति के कानूनी वारिस को HDRFA के में भी दी जाएगी। वहीं पत्र में आगे कहा गया कि जिले में वार कोरोना से मारे गए लोगों की रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक सरकार को हर हाल में भेजे, जिसके बाद विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि सभी जिलों से रिपोर्ट आ जाने के बाद सरकार की तरफ से संबंधित राशि जिलों को भेज दी जाएगी ताकि प्रभावित परिवारों में ये राशि बांटी जा सके।
भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए देश की 7 रक्षा कंपनियों सैनिकों के लिए अब पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक बनाने जा रही हैं। जी हां, आने वाली 15 अक्टूबर यानी कि दशहरे के दिन भारतीय आयुध निर्माण बोर्ड की 7 नई रक्षा कंपनियों की शुरुआत की जाएगी और इन कंपनियों को तीनों सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के 75 से ज्यादा करोड़ रुपए के ऑर्डर भी मिल चुके हैं। ये कंपनियां गोला बारूद और विस्फोटक वाहन, हथियार और उपकरण, सैन्य सुविधा आइटम और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स गियर, पैराशूट और सहायक उत्पादों का उत्पादन भी करेंगी और इन कंपनियों में हथियार निर्माण से भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इनमें एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कन्फर्न्स लिमिटेड, इंडिया ऑप्टो लिमिटेड, मैनुफिकेशन लिमिटेड और अवनी आर्म्ड व्हीकल्स भी लिमिटेड शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार को उम्मीद है कि पेशेवर रूप से प्रतिबंधित 7 नई संस्थाएं बेहतर क्षमता उपयोग के माध्यम से घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगी और निर्यात के लिए नए अवसरों का भी लाभ उठाएंगी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चौथी कंपनी ट्रूप कन्फर्न्स लिमिटेड सैनिकों के इस्तेमाल से जुड़ी सामग्री का निर्माण करेगी। दरअसल आपको बता दें कि सैनिकों के कपड़े, जूते से लेकर तमाम सामग्री विदेश से आयात की जाती है, लेकिन अब ये नई कंपनियां सबका निर्माण अपने देश में ही करने वाली हैं। सिद्धार्थनगर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने नव निर्मित कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया। आपको बता दें, नव निर्मित इस कंप्यूटर लैब में 50 बच्चे एक साथ कंप्यूटर सीख सकेंगे और साथ ही इस लैब की स्थापना रूरल इंडिया सपोर्टिंग ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग से ह्यूमना प्यूपल टू प्यूपल इंडिया द्वारा किया गया है। साथ ही ये दोनों संस्थाएं मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, प्रयागराज, जौनपुर सहित 6 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। ऐसे में सिद्धार्थनगर जिले के डाइट में इस कंप्यूटर लैब से शुरू होने से ये प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षु तकनीकी शिक्षा में भी निपुण होंगे। इस मौके पर लोकार्पण करने पहुंचे मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है और आज डिजिटल का हर जगह बोलबाला है। कोरोना काल में सारी सुविधाएं डिजिटल पर ही निर्भर थी, ऐसे में प्रदेश के सभी डाइट पर प्रशिक्षु को कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अभी बता दें कि 6 जिलों में ये सुविधा शुरू की गई है और जल्द ही सामाजिक संस्थाओं और लोगों के सहयोग से पूरे प्रदेश के सभी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में ये सुविधा शुरू कर दी जाएगी। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के जो डाइट हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उसमें डीएलएड का कोर्स होता है। वही बच्चे डीएलएड करके फिर टीईटी, सुपर टीईटी पास करके हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्यापक बनते हैं। इनकी ट्रेनिंग में आजकल चूँकि सारी व्यवस्थाएँ उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल की हैं, टीचर्स की छुट्टियों के एप्लीकेशन भी ऑनलाइन हो रहे हैं, उनकी सैलरी का मामला, जीपीएफ पेंशन का भुगतान, ये जो उनकी सर्विस का पक्ष है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है और बच्चों को पढ़ाने में भी ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा है। अभी कोरोना काल में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है डिजिटल माध्यमों की। तो हमारे जो छात्राध्यापक हैं, जो डीएलएड कर रहे हैं, इनको कंप्यूटर का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसको चलाने की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हमने कई संस्थाओं से समझौता किया है, उन संस्थाओं के सहयोग से उत्तर प्रदेश के सभी डाइट में कंप्यूटर लैब की स्थापना हो रही है। जो ह्यूमाना संस्था जिसने सिद्धार्थनगर के डाइट में कंप्यूटर लैब बनाए हैं, इन्होंने अभी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के डाइट में कंप्यूटर लैब की स्थापना की है। आज मैं सिद्धार्थनगर डाइट के इस कंप्यूटर लैब का उद्घाटन करने के लिए आया था। मैं सरकार की ओर से ह्यूमाना संस्था को भी धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ सिद्धार्थनगर जैसे ज़िले में डाइट में 50 कंप्यूटर उसके लैब में हैं, 100 छात्रों का एक बैच होता है, तो पूरे के पूरे बैच के सभी छात्रों को हर रोज़ कंप्यूटर की पढ़ाई की सुविधा इंटरनेट के साथ निशुल्क उपलब्ध होगी आज से। आगरा में सेना से रिटायर एक सूबेदार ने प्रतियोगी छात्राओं के तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को एक तोहफा दिया है। जी हां, सूबेदार झंडेलाल भट्ट द्वारा नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के प्रमाण पत्र ए, बी और सी की परीक्षा के लिए एक पुस्तक लिखी गई है, जिसका विमोचन जिला मुख्यालय स्थित सैनिक कल्याण विभाग में ब्रिगेडियर एनसीसी मनोज मोहन द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि सेना की नौकरी से रिटायर होने के बाद सूबेदार झंडेलाल भट्ट द्वारा छात्र और छात्राओं के
भविष्य के लिए एक ये किताब लिखी गई है, जिसमें प्रतियोगी छात्र छात्राएं सैनिक और अन्य परीक्षाओं की तैयारियां ठीक ढंग से कर सकते हैं। इस किताब में मॉडल प्रश्न पत्र और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उसके उत्तर भी दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि NCC आगरा ब्रिगेडियर मनोज मोहन ने बताया कि रिटायर होने के बावजूद भी सूबेदार द्वारा किया गया ये भागीरथ प्रयास है, जो छात्रों के भविष्य के लिए काफी अच्छा साबित होगा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद करूंगा कि ईश्वर ने मुझे एक ऐसा जीवन में अवसर दिया कि मैं सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद में सेना के लिए जो कुछ कर सका वो मुझे मेरे पब्लिशर ने मौका दिया। और सबसे पहले फेसबुक को धन्यवाद करूंगा और श्री जुकरबर्ग को कि जिनके माध्यम से मुझे इतने प्रतिष्ठित और बहुत अच्छे पब्लिशर मिले, जिन्होंने मुझे ऐसा बुक लिखने के लिए मौका दिया। क्या विशेषताएं इस बुक की, कहाँ कहाँ वैकेंसी? इस बुक की विशेषताएं ये हैं कि ये जो आर्मी से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसको बहुत अच्छी तरह से एलिब्रेट किया है मैंने। जो मेरे पास में ज्ञान था, जो विद्वानों की मैंने पुस्तकें पढ़ी, पाठ्यक्रम देखा, उसमें मैंने जो महसूस किया, जो मेरे पास बेस्ट टू बेस्ट था, जो मैंने मेरे कमांडर से सीखा, सेना से सीखा, वो मैंने इसमें इनपुट देने की कोशिश करी। NCC में जितने छात्र होते हैं, जितने कैडेट्स होते हैं, उनके लिए अपने कॉलेज स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ NCC की भी ट्रेनिंग हासिल करनी होती है। और ऐसे में ये पुस्तक, जिसमें NCC की दी जाने वाली ट्रेनिंग को एक बड़े ही संक्षिप्त तरीके से और एक जगह इकट्ठा जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में बता करके ये पुस्तक उस दिशा में जो हमारे छात्र हैं, जो कैडेट हैं, उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि उन्हें एक ही जगह पे एक ही पुस्तक के अंदर काफ़ी कुछ देखने को और समझने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। शिक्षा का स्तर हमेशा ऊपर जा रहा है और इसका कारण ये है कि अभी लोगों की जागरूकता बहुत बढ़ गई है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो अवेलेबिलिटी है, वो काफ़ी बढ़ गई है। बट हाँ, खास करके ये जो पुस्तक है NCC वाली, वैसे भी जो है, जैसे बताया अभी कमांडर साहब ने, कि वैसे भी अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, लोग अलग अलग जगह पर थे तो उसको मिल रही थी। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अब हम जो हैं NCC के ज़रिए, जो लोग फ़ौज में आना चाहते हैं, जो और जगह भी जाना चाहते हैं, कई वैकेंसीज भी अवेलेबल हैं, उसका इसमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से आप शुरुआत से ही डिसिप्लिन और बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जो कि मैं मानता हूँ थोड़ा कम, तो इससे जो है डिसिप्लिन का स्तर बढ़ेगा, डिसिप्लिन लोग फ़ौज में भी जाएंगे, डिसिप्लिन लोग सिविल सर्विसेज में भी जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक रहेगी, बहुत लाभदायक पुस्तक रहेगी। जो लेखक हैं वो रिटायर्ड सूबेदार जी, क्या मानते हैं कि समाज में अच्छा काम कर रहे हैं इस समय? बहुत, मैं ये मान के चाहूँगा सुविधा झंडेलाल जी ने काम किया है। कई लोग रिटायर होकर समझते हैं कि अब समाचार समाप्त हो गए, बस घर चलते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। गोंडा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। केसरगंज से BJP सांसद और कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया और मेधावी को सम्मानित भी किया। समारोह के दौरान मंच से विपक्ष पर सांसद जमकर बरसे और फिर पत्रकारों से रूबरू भी हुए, जहां सांसद ने कहा कि बंदूक के पद पर राज्य कब्जा होते हुए सुना था, लेकिन देखते ही देखते अफगानिस्तान तालिबान बन गया। वहीं हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना और तालिबान की वजह से चीन और अमेरिका से भरोसा उठा है और अब अमेरिका पर सवाल खड़ा हुआ है, साथ ही अमेरिका की विश्वसनीयता ही कम हुई है। सांसद ने कहा कि आज पूरे विश्व की निगाहें नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं, वही चीन ने कोरोना दिया और भारत ने दुनिया को वैक्सीन दी है। सांसद ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि 150 देशों को भारत ने संभाला है और वैक्सीन दी, साथ ही मेडिकल के मामले में दुनिया में भारत विश्व का सरदार बन गया है। BJP सांसद ने लखीमपुर मामले पे कहा कि वाहन से कुचलने की चर्चा सब कर रहे हैं, लेकिन पीट पीट कर हत्या की कोई बात नहीं कर रहा और मामले पर पर्दा डालने के लिए भीड़ जुटाई जा रही है। सांसद ने वार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश की राजनीति नहीं पता है। की डिमांड थी कि मुलजिम की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो गिरफ्तारी हो गई, मुआवजा भी मिल गया,
जांच चल रही है। अब ये जो प्रेशर बनाने का काम हो रहा है, क्योंकि अभी तक एक बात तो निकल करके आ रही है कि चार किसान मरे और गाड़ी से कुचल करके मरे, ये बात तो आ रही है, लेकिन इसके आगे की कहानी जो पीट पीट कर मार डाले गए उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है पर्दा डालने के लिए इकट्ठा हो रही है, क्योंकि अगर आशीष मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो आप विश्वास रखिए कोई भी हो, कोई भी ताकतवर आदमी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि चार आदमी की हत्या की तो बात हो रही है लेकिन चार लोगों की हत्या किसने की उनकी बात नहीं हो रही है। और ये मेनका गांधी हो या राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, इन लोगों को इस देश की राजनीति समझ में नहीं आएगी, इस देश की राजनीति समझ में नहीं आती है। ये कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, कभी जो है दवाई पर सवाल उठाते हैं, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। अब आज इनको कुछ नहीं मिला तो आप इसी पर जुटे पड़े हैं। बागपत कोतवाली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस ने एक सप्ताह पहले हुई दिल्ली में अस्पताल में फार्मिस्ट के पद पर तैनात व्यक्ति की हत्या की वारदात का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि फार्मिस्ट की हत्या की वारदात को अंजाम पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दी थी, और ऐसे में दरअसल एक मामूली बात को लेकर उन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने दो अभियुक्तों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तमंचा और कारतूस के साथ ही बरामद किया है। साथ ही पुलिस भी बाकी अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र का है, जहां बली गांव का रहने वाला व्यक्ति सुरेंद्र सिंह दिल्ली एमसीडी में फार्मिस्ट के पद पर तैनात था, और 5 अक्टूबर को अज्ञात बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या और उस वक्त कर दी जब वो रोजाना की तरह घर से दिल्ली ड्यूटी जाने के लिए मेरठ रोड रेलवे स्टेशन जा रहा था। गांव के बाहर जंगलों में पहले से ही घात लगाए बैठे युवकों ने उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मृतक के ही पड़ोसी दो युवकों अरुण और भोला को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल दो तमंचे भी बरामद कर लिए हैं। वहीं पकड़े गए युवकों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि अरुण आए दिन शराब पीकर झगड़ा करता था, जिसका मृतक सुरेंद्र सिंह विरोध करता था, जिसके चलते ही अरुण ने ये अपने साथियों के साथ पूरी इस योजना को बनाया, 5 अक्टूबर को उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने बाकी अन्य अभियुक्तों समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, और पुलिस बाकियों की तलाश भी कर रही है। केरल में कई हिस्सों में मंगलवार को लगातार भारी बारिश होने की वजह से नदियां और बांधों में जलस्तर बढ़ गया है। त्रिशूर और कोझिकोड के कई हिस्सों से लोगों को निकाल कर राहत और पुनर्वास शिविरों में पहुंचाया गया, जहां मल्लापुरम में दो बच्चों की जान भी चली गई। ऐसे में मौसम विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोझिकोड, पलक्कड़, मल्लापुरम और वायनाड जैसे कई जिलों के लिए 15 अक्टूबर से पहले तक नारंगी और येलो अलर्ट जारी किए हुए हैं। ऐसे में ऑरेंज और येलो अलर्ट बता दें कि मूसलाधार बारिश की वजह से जारी किया गया है, और ताइवानी जारी किए जाने के साथ ही नदियों बांधों में लगातार जलस्तर बढ़ने के बाद त्रिशूर, कोझिकोड और मल्लापुरम के जिला प्रशासन हरकत में आ गए, और उन्होंने उन परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाना शुरू कर दिया है जो प्रभावित हैं या जिनके प्रभावित होने की आशंका है। कोरोना महामारी की संकट से निकलने के लिए लोग नवरात्र के मौके पर मां दुर्गा की पूजा करने को लेकर बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कोलकाता में भी 150 फीट ऊंचा पूजा पंडाल तो तेलंगाना में 45 फीट ऊंची मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की गई है। वहीं उड़ीसा में नवरात्रों के मौके पर पुरी के कलाकार ने 275 आइसक्रीम स्टिक से मां दुर्गा की प्रतिमा बना दी। कलाकार विश्वजीत नायक ने बताया कि इस काम को पूरा करने में उन्हें 6 दिन का समय लगा। वहीं मशहूर सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी में ही बीच पर समुद्री सीप की मदद से मां दुर्गा की खूबसूरत कलाकृति बनाई है। वहीं हैदराबाद के इस्मिया बाजार में इको फ्रेंडली मां दुर्गा की 45 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। पंडाल के आयोजक गुलाब श्रीनिवास ने बताया कि मूर्ति घास, क्ले और लाल बाबू और वाटर पेंट से बनाई गई है, और 35 दिनों तक 22 कलाकारों की मेहनत से ये मूर्ति बनाई गई है। वे नॉर्थ 24 परगना के
केस्टोपुर में दुर्गा पूजा पंडाल की डिजाइनिंग में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन का चित्रण भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक सदस्य ने बताया है कि हमने यहां और यास और अम्फन के दौरान मुश्किलों का सामना करने वाले लोगों को भी दिखाने का इसमें प्रयास किया है। रुड़की के कलिया शरीफ में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचे इंडियन आइडल के स्टार मोहम्मद दानिश का कलिया पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रभारी शहदाब अली ने मोहम्मद दानिश का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और मोहम्मद दानिश ने कहा कि उन्हें साबिर साहब की दरगाह पर पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। साबिर साहब की दरगाह पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। उन्हें बेहद ही फख्र है कि उन्हें आज साबिर साहब की दरगाह पर आने का मौका मिला है। देखिए, आज जब से हाईकोर्ट के द्वारा जो ई पास की जो व्यवस्था थी चारधाम यात्रा के लिए जो समाप्त कर दी गई है, उससे कि जो हमारे यात्रीगण है वो एक दिन में कम से कम 7 या 8 हज़ार यात्रीगण हमारे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जिससे कि जो आप लोग जिस प्रकार से विदित है कि जो कोरोना काल आया था उसमें व्यापारियों पर इसकी बहुत बड़ी मार पड़ी थी और कहीं ना कहीं जो हमारे व्यापारी बंधु हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे भाई बंधु जो रोजगार की खोज में हैं इससे पहले लगे हुए थे वो आज केदारनाथ में हैं और कहीं ना कहीं उनके रोजगार में इस कोरोना काल को देखते हुए थोड़ा बढ़ोतरी भी है, जिससे कि हमारे तमाम जितने भी युवा साथी हैं, तमाम जितने भी हमारे जो व्यापारी बंधु हैं वो उनमें खुशी की लहर है। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही थराली विधानसभा के नारायण बगर विकासखंड के गांव नाखौली ग्राम सभा के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर सर्वसम्मति के प्रस्ताव पारित कर चुनाव बहिष्कार का मन बना लिया है। सड़क से वंचित नारायण बगर के इस गांव के ग्रामीण 2013 से ही सड़क की मांग कर रहे हैं और 2017 में इस सड़क को स्वीकृति मिलने के बाद भी अब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है और सड़क की फाइल अभी भी शासन स्तर पर लंबित पड़ी है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश बढ़ गया है। आज जो है दुनिया कितनी आगे चल चुकी है, कितने आगे दुनिया जो है तो टप कर चुकी है, हम जो है 20 साल 25 साल पीछे रोड की वजह से हम पीछे हो गए। 20 साल 25 साल प्रशासन से हमने कब रिक्वेस्ट किया, कितनी बार रिक्वेस्ट कर दिया है, सारी प्रशासन की जितने भी मांगे थे वो हमने पूरी कर दी, उसके बावजूद हमारे हमको रोड से वंचित रखा गया है। हमारे जो है हमारे प्रधान हमारे जितने भी आदमी थे सारे अपने अपने काम से सारे प्रशासन को हमने बोल दिया है, जब भी हमारे को कोई संतुष्ट आवाज वो नहीं मिली है अभी तक। इसलिए हम चाहते हैं हम वोट का बहिष्कार करेंगे जब भी प्रशासन की जो है नींद खुलेगी। साहब जी, मैं भी मीडिया का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मीडिया के माध्यम से हमारी जो मांगे हैं वो प्रशासन को दिया जाए। हमारे गांव के चारों तरफ जो है रोडे हैं, लेकिन ये गांव जो है रोड से वंचित है, जबकि यहाँ के वृद्ध आदमी बच्चे वो पैदल रात को पैदल जाते हैं, जब बाजार से आते हैं तो पैदल जाना पड़ता है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, कितनी परेशानी है। आज भारत के आदिवासी इलाकों में सारे रोडें बिछ गई है, लेकिन एक हमारा गांव ऐसा है कि जहां पर कि हमारे यहां पर 30-40 सैनिक हैं। महिलाओं को कह रहे हैं कि मातृशक्ति आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। क्या मातृशक्ति आगे बढ़ाने हैं? वोट मांगने के लिए कह रहे हैं कि आगे फटाफट मातृशक्ति आगे बढ़ाओ। 6 महीने 4 महीने के बाद कहाँ जा रही वो रो? इसके लिए हम लोगों ने अगर रोड आ गई आज ये बैठक रोड आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। गैरा है, भालू की डर है, बच्चे स्कूल जाते हैं, पोस्ट ऑफिस है, डाक लेने के लिए परेशानी हो रही है, कई चीज़ों की यहाँ पर परेशानी है। विभाग सरकार कई प्रकार के यहाँ पर विधायक आ गए, महिलाएं पुरुष कोई भी आए तो सभी ने यही कहा कि 6 महीने 4 महीने में हम रोड दे देंगे। वोट मांगने के लिए तो खूब कह रहे हैं कि हम रोड दे देंगे, अब वोट मांगने के बाद वो कहाँ जा रहे हैं? तब कह रहे हैं कि तुम्हारा जियो तुम्हारा प्रस्ताव कोई भी चीज़ अभी काबिल नहीं हुआ, कौन बनाएगा जब बड़े वो बना रखे हैं? हमें रोड चाहिए और हमारे गांव में इतना
वो रोड नहीं तो इतना कष्ट हो रहा है, बच्चों को बच्चे बीमार हो रहे और उनको हॉस्पिटल ले जाने में इतनी चढ़ाई है और बरसाव पीड़ा में, और चार लोग वह डंडी में ले जाते हैं। हमें सरकार से निवेदन करना है कि हम इधर उधर लोगों के गांव में रोड जारी है, हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारा गांव बिना रोड के वंचित है। सर, जो ये हमारी समस्या है, ये लगातार 2013 से जो हमारी रोड की मांग है, लगातार हमारी मांग चल रही है। हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी कोई मतलब माताएं, महिलाएं प्रसव पीड़ा वाली हो या बीमार आदमी हो, हमें डंडी कंडी की सारी रात हो दिन हो रोड तक पहुंचाना पड़ता है, तब हमें महसूस होता है हम मतलब कुएँ के मेंढक कुएँ में रह गए। इसलिए हमारी पूरी ग्राम पंचायत ने ये मतलब निर्णय लिया, फैसला लिया कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाके शासन प्रशासन हमारी मांग या मतलब रोड के बारे में सोचेगी, तभी हमारी मतलब रोड मतलब स्वीकृत हो पाएगी। हमें चुनाव बहिष्कार का मतलब पूरी ग्राम पंचायत ने फैसला लिया। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।